तो चलिए यूनिट नंबर 3 चालू करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 3 डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये पर्टिकुलर यूनिट साइज में छोटा है लेकिन इसमें कंटेंट काफी सारा है। इसमें सबसे पहले आपको ये समझ के लेना है कि ओनरशिप का ट्रांसफर कब होता है और गुड्स की डिलीवरी कब होती है। ये माना कब जाता है कि गुड्स जो है वो डिलीवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जो इस पूरे चैप्टर को गाइड करता है, इस पूरे यूनिट को गाइड करता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए देर इज अ पार्टी ए जो एक सेलर है। मान के चलिए ये कर्नाटका में है और पार्टी बी है जो बायर है। मान के चलिए ये बायर पूना में है। अब ये सेलर पार्टी ए अपने गुड्स जो है पार्टी बी को देगा। इस पर्टिकुलर एक्सचेंज में मैं पेमेंट की बात और पेमेंट का टॉपिक बिल्कुल नहीं छेड़ रहा। मैं इसमें सिर्फ गुड्स की डिलीवरी की बात कर रहा हूं। इसमें पार्टी ए को गुड्स जो है पार्टी बी को देने हैं। गुड्स को इस यूनिट से हम रेफर कर सकते हैं एज प्रॉपर्टी इन गुड्स या फिर ओनली प्रॉपर्टी। दोनों टर्म्स का मीनिंग एक ही है जो है गुड्स। अब पकड़ के चलिए पार्टी ए पार्टी बी को बोलता है तीन अरेंजमेंट से। देखिए क्या है। पहले अरेंजमेंट में पार्टी ए पार्टी बी को बोलता है, पार्टी ए जो कर्नाटका में है कहता है कि आई हैव एन एजेंट एट अ सिटी और अ टाउन कॉल्ड पनवेल। आई विल डिलीवर द गुड्स टू माई एजेंट इन पनवेल। फ्रॉम पनवेल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट एंड टेक अवे। तो जब गुड्स कर्नाटका से पनवेल पहुंचेंगे, जब गुड्स कर्नाटका से पनवेल फिजिकली पहुंचेंगे, पार्टी ए अपने हिसाब से बोलेगा कि उसने अपना वादा पूरा कर लिया। ही एग्जीक्यूटेड हीज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंड द सेल एज फार एज ए इज कंसर्न्ड इज कंप्लीटेड। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? पनवेल से गुड्स कलेक्ट करने की। अब मान के चलिए पनवेल में गुड्स की चोरी होती है, थेफ्ट। गुड्स आर डैमेज्ड बिकॉज ऑफ अ फायर, दे आर डैमेज्ड बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ पिल्फरेज, दे आर डैमेज्ड बिकॉज ऑफ रेनफॉल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स और बाय एनी अदर मिसलेनियस फैक्टर। द गुड्स आर डैमेज्ड व्हाइल दे आर इन पनवेल। द रिस्क बिलोंग्स टू पार्टी बी। हु डज द रिस्क बिलोंग टू? द रिस्क बिलोंग्स टू पार्टी बी। बट इफ द गुड्स आर गोइंग इन अ ट्रक, इफ द गुड्स आर गोइंग इन अ ट्रक फ्रॉम कर्नाटका टू पनवेल, और यहां कहीं तो बीच में द गुड्स गेट डैमेज, द गुड्स द ट्रक मीट्स विद एन एक्सीडेंट, द ट्रक हियर मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एंड द गुड्स गेट डैमेज्ड ऐसे सिचुएशन में रिस्क किसका है? रिस्क ऑफ द सेलर दैट इज पार्टी ए। ये पहली अरेंजमेंट थी। पहले अरेंजमेंट में पार्टी ए की जिम्मेदारी क्या थी कि वो कर्नाटका से गुड्स कहां तक पहुंचाएगा?
पनवेल तक पहुंचाएगा, पनवेल से डिलीवरी लेना किसका काम है? बायर का काम है। यदि पनवेल में गुड्स डैमेज होते हैं, चोरी होते हैं, जल जाते हैं, डूब जाते हैं, भीग जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो किसका रिस्क होगा? वो बायर का रिस्क होगा, वो बायर की जिम्मेदारी होगी। एक बार पनवेल पहुंच गए तो सेलर का काम खत्म। लेकिन अगर पनवेल पहुंचते पहुंचते ये गुड्स जिस ट्रक में थे उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये रिस्क कर्नाटका से निकले हुए गुड्स जो पनवेल पहुंचे नहीं, जो डैमेज हुए, इन गुड्स का रिस्क पार्टी ए विच इज द सेलर उसका ही होगा। क्या ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। इस कॉन्सेप्ट को बिठाए बगैर आप जो भी इसमें सीखेंगे वो सिर्फ एक बाय हार्ट होगा, एक लर्न बाय हार्ट होगा, वैसा नहीं कर। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट ऐसा है कि ये पार्टी ए है कर्नाटका में, ये पार्टी सेलर है, और ये पार्टी बी यहां पर पूना में है जो कि बायर है। मान के चलते बायर ने एक्स्ट्रा पैसे डिलीवरी के दिए, मान के चलिए डिलीवरी की साइज ज्यादा बड़ी थी, मान के चलिए कि सेलर नया था, कच्चा खिलाड़ी था, मान के चलिए कि पार्टी बहुत बड़ी है बायर की। बायर ने ये शर्त रखी कि मुझे डिलीवरी मेरे फैक्ट्री के दरवाजे तक चाहिए, मुझे डिलीवरी कहाँ तक चाहिए? मेरे फैक्ट्री के दरवाजे तक चाहिए। तो अब कर्नाटका से ये गुड्स निकल के इसके फैक्ट्री के दरवाजे तक आएंगे। यदि कर्नाटका से निकले हुए गुड्स, मतलब पार्टी ए के गोडाउन, वेयरहाउस, फैक्ट्री, कहीं से भी निकले हुए गुड्स पार्टी बी के फैक्ट्री तक पहुंचने से पहले अगर पहुंचने से पहले डैमेज हो जाते हैं, तो ये रिस्क किसका होगा? ये रिस्क सिर्फ और सिर्फ सेलर का होगा, इसमें बायर का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि ये गुड्स फैक्ट्री की गेट तक पहुंचे और बायर ने उसकी डिलीवरी ले ली, बायर ने डिलीवरी ले ली और उसके बाद डैमेज हुआ, तो ये रिस्क किसका? तो ये रिस्क पूरी तरीके से बायर का होगा। ये रिस्क किसका होगा? ये रिस्क पूरी तरीके से बायर का होगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलिए ये पार्टी ए है। अब पार्टी ए मान के चलिए पूना में है और ये पार्टी ए सेलर है। कोई बोलेगा एग्जाम्पल लो, तो मैं एक बहुत ही फेमस पूना के बिजनेस का एग्जाम्पल लेता हूं, चितले बंधु, चितले ब्रदर्स। ये मिठाई, दूध के आइटम्स, फरसान के आइटम, ये सारी चीजें बनाते हैं और ये वर्ल्ड फेमस है। इनकी एक आइटम बनती है बाकरवड़ी नाम की, जो महाराष्ट्र हाउस होल्ड में बहुत खाई जाती है, बहुत फेमस। दुनिया भर में ये अपनी ये कमोडिटी को बेचते हैं, यहाँ तक कि एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 पर भी एक वक्त पर इनका एक स्टॉल सा हुआ करता था। अभी एयरपोर्ट में तो स्टॉल नहीं, काउंटर कहेंगे, ठेला नहीं बोल सकते। इट यूज टू बी अ प्रॉपर शोरूम फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ये सेलर बहुत बड़ा है, इसे किसी इंडिविजुअल बायर को केटर करने की जरूरत नहीं है। पार्टी बी एक बायर है जो मुंबई से है। सेलर ने एक शर्त रखी, तुम्हें जितनी भी क्वांटिटी चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें उसकी डिलीवरी मेरे शोरूम से लेनी होगी। सेलर का रिस्क कहां तक है? गुड्स शोरूम में आने तक का रिस्क सेलर का है। एक बार गुड्स शोरूम में आ गए तो सेलर ने उसको उस लोकेशन पे लाके रखा जो बायर के साथ कॉन्ट्रेक्चुअली अग्रीड था। इसके बाद
सेलर की जिम्मेदारी सिर्फ एक आम बेली की हो जाती है। बेली का मतलब क्या? वो व्यक्ति जिसे गुड्स मिलते हैं, जो एक नॉर्मल रीजनेबल प्रूडेंट व्यक्ति की तरह उन गुड्स को सेफ अवे फ्रॉम डैमेज रखता है। यदि ऐसे सिचुएशन में इस शोरूम में भी अगर ये गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो रिस्क पार्टी बी बायर का होगा, ना कि पार्टी ए का, क्योंकि पार्टी ए की कमिटमेंट गुड्स को एक अमुक लोकेशन तक राके रखने की थी, जो उन्होंने पूरी की उसको अपने शोरूम में लाकर। शोरूम में आने के बाद सेलर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बेली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई फर्क नहीं होता है। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो समझ के लेना आपके लिए जरूरी था। अब इसके लिए एक चार्ट बनेगा जिसके आप स्क्रीनशॉट्स आप लीजिएगा। Who's going to take screenshots for the lecture? Who's going to take screenshots for the lecture? We need screenshots to be taken in today's lecture. Can they be taken by someone? Rishi, Karan, any one of you, can you take it? Can you take it? Jaldi reply kijiye, please. Yes, I'll take it. Yeah, you can take the screenshots. It's essential that the screenshots are taken. Now, the real deal begins. Ye tha concept, only for understanding. अब देखिए, एक वर्ड का मीनिंग समझा रहा हूं, भले वो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ना हो, ये आपको कभी कभी आंसर लिखने में काम में आएगा। वर्ड का वर्ड है फ्री ऑन बोर्ड। व्हाट डज द टर्म फ्री ऑन बोर्ड एंटेल ऑफ? फ्री ऑन बोर्ड मीन्स दैट द सेलर इज required to deliver the goods up to a location as per the agreement. Now let us say that the goods are in transit, मतलब goods buyer निकल चुके, और अगर हम एफओबी शिपिंग पॉइंट पर है, किस पर है? एफओबी शिपिंग पॉइंट पर है, इसका मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी टाइटल मतलब ओनरशिप पासेस टू द बायर व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। इसका मतलब ये है और रादर गुड्स आर डिलीवर्ड टू कॉमन कैरियर, मतलब एक पॉइंट तक लाके रखना ये जिम्मेदारी सेलर की है। इसका मतलब ये है कि रिस्क अप टू कॉमन कैरियर ये सेलर का होगा एंड रिस्क आफ्टर कॉमन कैरियर ये बायर का होगा। अब मान के चलिए कि ये एफओबी डेस्टिनेशन है। एफओबी डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी हैज टू बी डिलीवर्ड अप टू बायर्स लोकेशन, टाइटल ट्रांसफर्ड ऑन रिसीप्ट एट लोकेशन। सो रिस्क अप टू लोकेशन किसका हुआ? सेलर का हुआ। एंड रिस्क आफ्टर लोकेशन किसका हुआ? बायर का हुआ। इसका मतलब यही है कि आपके लोकेशन तक मैंने गुड्स लाके आपको छोड़ दिए, उसके बाद आप उनके साथ जो भी करना है करो,
अगर गुड्स आपके लोकेशन तक आके पहुंचे और वहां पे अगर बिजली खड़की और गुड्स जल गए तो बायर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे वेयर हाउस से तुम्हारे लोकेशन तक पहुंचने तक अगर कोई बिजली खड़क गई और ये गुड्स जल गए तो जिम्मेदारी मेरी मतलब सेलर की होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हमने डिस्कस किया, उसे मैंने यहाँ पे समराइज करके आपके सामने रख दिया है। आप इस पॉइंट को ऑफ कोर्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यूज करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को आप बेस बना सकते हो आपके किसी भी आंसर को लिखने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा तुरंत। प्लीज इंश्योर दैट द स्क्रीनशॉट इज टेकन। आई होप इट्स टेकन ऋषि। यस सर, टेकन। नेक्स्ट, अब वी आर इन द प्रॉपर यूनिट मॉड्यूल पॉइंट्स। सेक्शन 26 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 26 बोलता है कि यदि डिले इन डिलीवरी हुई, यदि क्या हुआ, डिले इन डिलीवरी हुई और ये फॉल्ट ऑफ बायर रहा, किसका फॉल्ट रहा, फॉल्ट ऑफ बायर रहा, तो गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ बायर। मान के चलिए ये फॉल्ट ऑफ सेलर हुआ, गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ सेलर। इसमें एक और बात है कि द ड्यूटी और द लायबिलिटीज ऑफ द बायर या फिर सेलर एज द केस में बी एज अ बेली विल परसिस्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि सेलर ने कहा कि 28 जून को आप पनवेल से गुड्स पिकअप कीजिए, लेकिन बायर वहां पे पहुंचा 5th of July को। 28 जून से लेके 5th of July तक सेलर विल हैव टू एक्ट लाइक अ बेली ऑफ द गुड्स। Why? Because it's a reasonable responsibility of the seller. अब सेलर जो था उसने डीले किया तो रिस्क सेलर का होगा। इसमें बायर को बेली के रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त पोजीशन जो है वो सेलर के हाथ में होता है। तो ये समझना जरूरी है कि यदि डीले हो जाता है डिलीवरी में, यदि डिलीवरी में डीले हो जाता है तो भले रिस्क बायर का क्यों ना होने दो, भले रिस्क बायर का क्यों ना होने दो, सेलर पर एज अ बेली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगी। वंस रिस्क इज पास्ड, ऑटोमेटिकली ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। वंस रिस्क इज पास्ड ऑटोमेटिकली ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड। इसका मतलब है कि अब तेरे गुड्स तेरे हवाले कर दिए, अब अगर उन गुड्स के साथ कुछ बुरा भला होना रहा तो वो तेरी जिम्मेदारी है। अब ये गुड्स तेरे है, अब तेरा रिस्क है, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि ये बात हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि सेल अब पूरा हो चुका, ओनरशिप अब ट्रांसफर हो चुकी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काइंडली टेक इट क्विकली, गिव मी अ थम्स अप वंस टेकन, आई विल रब इट। यस सर, टेक इट। अब चलते हैं स्पेसिफिकली क्लासेस ऑफ गुड्स के डिस्कशन में। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब आप जानते हो शायद। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब है अग्रीड अपॉन गुड्स जिसका डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ स्पेसिफाई हो चुका है। कहने का मतलब यह कि यदि आप एक सेलफोन खरीदने जाते हो और आप एक वन प्लस क्या चल रहा है आजकल 14 15 जो भी चल रहा होगा, से वन प्लस 14 खरीद के आप वापस आ जाते हो तो वन प्लस 14 इज अ स्पेसिफिक गुड। यदि आप कहते हो कि मुझे 42 साइज का ब्लू कलर का समर कलेक्शन का यूएस पोलो एसोसिएशन का टी शर्ट चाहिए तो दैट इज अ स्पेसिफिक गुड। Right? These are called specific goods. So what happens in specific goods? We are talking about property passing.
प्रॉपर्टी पासिंग का मतलब क्या होता है? द टाइटल विल बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेलर एंड द बायर. नाउ व्हेन विल प्रॉपर्टी बी पास्ड? नाउ प्लीज पे अटेंशन. दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टीज इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड. प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टीज इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर्ड. इंटेंशन का मतलब क्या? इंटेंशन में क्या क्या कवर होता है? इंटेंशन में कवर होते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, और सरकमस्टांसेस ऑफ द केस. सो प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हेन पार्टी इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड. इंटेंशन कवर्स टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड सरकमस्टांसेस ऑफ द केस. किस बेसिस पे आपने अग्रीमेंट किया? आपका क्या बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन है विच इज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, और सिचुएशन क्या है जिसमें प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है? आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. अब जब मैं सेक्शन 20 की बात करता हूं, तब मैं बात करता हूं स्पेसिफिक गुड्स की जो एक डिलीवरेबल स्टेट में है, जो एक डिलीवरेबल स्टेट में है. इसका मतलब क्या हुआ? दी स्पेसिफिक गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट. मतलब ऐसे के ऐसे अभी के अभी उठा करके ये गुड्स मैं सेल कर सकता हूं. ये यदि है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट यू मस्ट हैव? यू मस्ट हैव नंबर वन एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट. क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक गुड्स जो एक डिलीवरेबल स्टेट में हो. डिलीवरेबल स्टेट में यदि गुड्स है तब क्या होगा? गुड्स यदि स्पेसिफिक है तब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले द प्रॉपर्टी विल पास व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. आप विजय सेल्स में चले जाइए, वहां पे एक टेलीविजन सेट देखिए. मान के चलिए वो एक 52 इंच का टेलीविजन स्क्रीन आपको पसंद आया, आपने वो लेना चाहा. वो स्पेसिफिक गुड है एक पर्टिकुलर ब्रांड का, जैसे कि सोनी या सैमसंग या जो भी हो. वो तैयार बैठा है गुड्स वहां पे, उसको बस निकाल करके उसको टेम्पो में डाल के आप तक पहुंचाना है. सो द प्रॉपर्टी विल पास व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. कॉन्ट्रैक्ट इज मेड व्हेन? व्हेन यू से यस सर आई एम बाइंग इट, ये लो पेमेंट, मेरे घर पे आज शाम को डिलीवरी पहुंचा दो. तो वो टीवी आपका हो चुका, उसका बस क्या रह गया है? डिलीवरी रह गई है. लेकिन क्या वो कुछ डिलीवरेबल स्टेट में है? जी हाँ, वो डिलीवरेबल स्टेट में है. आप जो स्टेट में उनको विजय सेल्स की शोरूम में देखते हो, वही स्टेट में वो आपके घर पर आपकी दीवार पर लगेगा और आप उस टीवी को देखो. ऐसा नहीं है कि घर में वो टीवी के अंदर और कुछ लगने वाला है, वो टीवी के अंदर से शाहरुख खान निकलने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जिस हालत में, जिस परिस्थिति में वो उस शोरूम में था, वही हालत में, वही परिस्थिति में, वही कंडीशन में आपके घर की दीवार पे लगे. सो द मोमेंट यू से दैट यू आर रेडी टू बाय दिस गुड्स एंड द सेलर इज सेइंग दैट ओके सर आई विल सेल यू दिस गुड्स, द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू यू एज यू हैव बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स. अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट दिस इज टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये जो होते हैं ये बिल्कुल ही इसमें इमटेरियल होते हैं. आप कब पैसे देंगे, गुड्स कब डिलीवर होंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. अगर गुड्स स्पेसिफिक है और अगर वो डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया प्रॉपर्टी पास हो चुकी. तो क्या समझना जरूरी है?
अगर वो स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इसका मतलब क्या? प्रॉपर्टी हैज पास्ट। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी हैज पास्ट। तो प्रॉपर्टी पास होने के लिए क्या जरूरी है? यू हैव टू हैव स्पेसिफिक गुड्स दैट आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी मेड। इफ दिस थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी हैज पास्ट, इसकी इजाजत हमें कौन देता है? सेक्शन 20 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930 इसकी परमिशन हमें देता है। तो यदि मैं ऐसे कहूं कि अंडर सेक्शन 20 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1920, एज लॉन्ग एज देर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी विल पास ऑन टू द बायर। दिस इज एन एग्जैक्टली एक्यूरेट स्टेटमेंट एज पर सेक्शन नंबर 20। से फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें आप ICAI मॉड्यूल का एग्जाम्पल रेफर कर सकते हो। ICAI मॉड्यूल का एग्जाम्पल क्या है? यू वॉक इन टू अ टीवी शोरूम, आपको टीवी पसंद आया, आपने उस शोरूम के सेल्स पर्सन को बोला कि हाँ भैया मुझे ये टीवी पसंद आया, उसी वक्त वो टीवी आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। उसी वक्त आप मतलब वहां पे जाके बोलते हो कि चलो पेमेंट कैसे करनी है मुझे बोलो, डिलीवरी कब दोगे मुझे बोलो। ये सारी चीजें इमटेरियल, प्राइस क्या है, डिलीवरी, इमटेरियल। आपने एक स्पेसिफिक गुड को उसके डिलीवरेबल स्टेट में उसके शोरूम में जाके पसंद किया और बोला कि मुझको ये गुड्स खरीदने हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म हो गया, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो गया, आप उस गुड्स के मालिक बन गए। ये कौन आपको बोलता है? सेक्शन नंबर 20 आपको ये बात बोलता है। एम आई क्लियर अबाउट दिस लेडीज एंड जेंटलमैन? आई होप सो। ऋषि स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सर अब चलते हैं सेक्शन नंबर 21 की तरफ। सेक्शन नंबर 21 भी स्पेसिफिक गुड्स के साथ ही डील करता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक गुड्स है ना, दे आर टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। मतलब ये गुड्स अभी डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है, ये गुड्स अभी डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि द सेलर इज बाउंड, बाउंड मतलब कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड, सेलर इज बाउंड टू पुट द गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी विल पास ओनली वेन गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। अब मान के चलिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल यू गो टू अ कार शोरूम एंड डिसाइड टू बाय एंड यू डिसाइड टू बाय एक्स वाई जेड ब्रांडेड कार फुल्ली लोडेड विथ म्यूजिक सिस्टम एयरबैग्स एंड अ सनरूफ। एक्स वाई जेड ब्रांड की गाड़ी, एक्स वाई जेड ब्रांडेड ऑफ 1, 2, 3, 4 मॉडल, मॉडल नंबर इज स्पेसिफाइड, ब्रांड इज स्पेसिफाइड, स्पेसिफिकेशंस आर इन प्लेस। आपको शोरूम वाला क्या बोलता है? डिलीवरी आफ्टर 6 मंथ्स। क्या बोलता है? डिलीवरी आफ्टर 6 मंथ्स। आप बोलते हो अरे वो जो गाड़ी उधर मैंने पसंद की वो क्या है? सर वो डिस्प्ले मॉडल है, वो हम आपको दे नहीं सकते। आपकी तरह अनेक विविध किस्म के बायर्स हमारे पास आते हैं, हमने ये मॉडल उनको दिखाने के लिए रखा हुआ है, ये हम आपको बेच नहीं सकते। ये बस आप देख लीजिए और इमेजिन कीजिए कि 6 महीने बाद आपके हाथ में यही टॉप मॉडल आने वाला है।
तो व्हेन विल द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू यू? हियर द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल ओनली पास आफ्टर 6 मंथ्स. व्हेन विल द प्रॉपर्टी इन गुड्स पास? ओनली आफ्टर 6 मंथ्स. क्या अभी तक ये प्रॉपर्टी इन गुड्स आपके पास में रेडी है? बिल्कुल भी रेडी नहीं. आपके लिए ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. आपको क्या याद रखना है कि सेक्शन 21 के तहत स्पेसिफिक गुड्स इफ टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द सेलर इज बाउंड टू पुट द गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड द प्रॉपर्टी विल पास ओनली व्हेन द गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट. यदि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं रहे तो प्रॉपर्टी पास नहीं होगी, तो प्रॉपर्टी जो है वो पास नहीं होगी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट विल पास ओनली व्हेन द सेलर हैज पुट देम इन अ डिलीवरेबल स्टेट. चाहिए तो ये पॉइंट यहां पे ऐड करके रख देते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट will only pass to the buyer when the seller has put the goods in a deliverable state. और ये गाइडेंस कौन देता है हमें सोगा के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर? सेक्शन नंबर 21 अपने को इस चीज का गाइडेंस देता है. ऋषि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई वुड लाइक टू रब इट इमीडिएटली. इज इट टेकन ऋषि? डन डन नेक्स्ट. अब चलते हैं सेक्शन नंबर 22 की तरफ. सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 22 कहता है, सेक्शन नंबर 22 कहता है कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू, मतलब टू द गुड्स, इन ऑर्डर टू मेजर द प्राइस. इन ऑर्डर टू मेजर द प्राइस. गुड्स रेडी है, गुड्स रेडी है. कैसे पता? वो डिलीवरेबल स्टेट में है. गुड्स स्पेसिफिकली अग्रीड अपॉन थे, तो स्पेसिफिक गुड्स थे जो डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेलर को अभी तक उसकी प्राइस मेजर करना बाकी है. अभी तक उसकी प्राइस मेजर करना बाकी है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में वी आर लुकिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रादर आई विल से वी आर लुकिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स. लेट्स पुट इट दैट वे. वी आर लुकिंग एट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट. इन सच अ सिचुएशन द सेलर हैज नॉट येट मेजर्ड द प्राइस. इधर मैं पर्पजली अलग इंक में लिख रहा हूं. सेलर हैज नॉट येट मेजर्ड द प्राइस. तो सेलर से क्या अपेक्षा होगी अब? सेलर हैज नॉट येट मेजर्ड द प्राइस. सो व्हाट डज द सेलर हैव टू डू? द सेलर इज बाउंड टू वे मेजर टेस्ट और डू समथिंग और सम एक्ट with reference to the goods
फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनिंग द प्राइस, फॉर द पर्पस ऑफ वॉट एसरटेनिंग द प्राइस. सो वॉट इज ही बाउंड टू डू? वे, मेजर, टेस्ट, डू समथिंग और सम एक्ट. वॉट इज ही सपोज टू डू? वे, मेजर, टेस्ट, डू समथिंग और सम एक्ट विथ रेफरेंस टू द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ वॉट? वाई? फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द प्राइस. द प्रॉपर्टी विल पास ओनली आफ्टर सच अ थिंग. सच अ थिंग में क्या आएगा? सच अ थिंग में क्या आएगा? सच अ थिंग में आएगा वे, मेजर, टेस्ट, समथिंग और सम एक्ट. तो ये चार स्टार्स यहां पे आ गए. व्हेन सच अ थिंग इज डन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड बायर हैज नोटिस देयर ऑफ. बायर को बोला गया है कि तुमने जो बोला था, तुमने जो बोला था वो गुड्स अब रेडी हो चुके हैं. इसका मतलब ये होता है कि बायर को पता नहीं कि गुड्स की कीमत कितनी होगी. नहीं, सेलर बोल के रखते हैं, देखिए आपका पर यूनिट समवेयर इन द रेंज ऑफ 275 to 290 आएगा. कितना आएगा अभी मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन 275 से नीचे नहीं जाएगा, 290 के ऊपर नहीं जाएगा. बायर बोलता है ठीक है. बायर अपनी तैयारी बेशक 290 की कर ले, लेकिन सेलर आके बोलते हैं सर आपका ना 282 हो गया, आपका ना 282 हो गया. ईमानदारी से इन गुड फेथ वो आके बोल के जाता है कि देखो भैया आपका 282 हो गया है, 282 पर यूनिट. मैंने ऐसे 1000 यूनिट आपके लिए बना के रख दिए, तो 282,000 रुपीज प्लीज मुझे दे दीजिए और आपका माल आप ले जाइए. क्यों उसे वक्त लगा? क्योंकि गुड्स बनाने के बाद उसे उनको वे करना पड़ा, मेजर करना पड़ा, टेस्ट करना पड़ा, सम एक्ट और समथिंग करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने प्राइस को असरटेन किया. तो प्राइस असरटेनमेंट इन स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेयर द प्राइस हैज नॉट बीन मेजर्ड विल हैपन ओनली आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग इज कंप्लीट और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग से पहले आप सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट ही दे सकते हो, एग्जैक्ट अमाउंट आप बोल नहीं सकते. आर यू विथ मी ऑन दैट? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? ऐसे गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरिंग से पहले आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हो, आप एग्जैक्ट बोल नहीं सकते. मैन्युफैक्चरिंग जब खत्म हो जाएगी आप बोल सकते हो कि भैया इसकी इतनी कीमत, उसकी उतनी कीमत हो जाएगी. आर यू विथ मी देयर? गिव मी अ थम्स अप अगर ये आपको समझ में आया है. तो समझ में आया है तो प्लीज रिस्पॉन्ड येस और नो. प्लीज गिव मी अ थम्स अप. राइट गाइस? ऋषि प्लीज स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए. अब चलते हैं सेक्शन नंबर 18 के पास. नोट कीजिए, अभी तक के आपने सेक्शन नंबर 26 किया, नोट कीजिए कि आपने अभी तक के सेक्शन नंबर 20 किया, 21 किया, 22 किया. अब हम सेक्शन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं. नाउ नाउ इन सेक्शन नंबर 18 वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर There is a contract of sale of unascertained goods. What are we talking about? A contract of sale of unascertained goods. ऐसे सिचुएशन में no property will pass to the buyer until the goods are ascertained. Goods ascertain होने से पहले कोई भी प्रॉपर्टी बायर को नहीं मिल सकती, ये इसका मीनिंग है. ऋषि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Have you taken it? Yes, sir. चलिए आपको आपके मॉड्यूल की तरफ ले जाऊं ताकि आपको एक आइडिया बैठे कि हम कहां तक है. हमने प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन्ड गुड्स खत्म कर दिया है. व्हेन इट इज इंटेंडेड टू पास, इसका चार्ट हमारा बन चुका. स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन नंबर 20 का चार्ट बन चुका.
स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, इसका भी चार्ट बन चुका सेक्शन 21। सेक्शन 22, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट वेयर द सेलर हैज टू डू एनीथिंग, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इन अ डिलीवरेबल स्टेट, सेलर इज बाउंड टू वे मेजर। आप आपके चार्ट्स की लैंग्वेज को और आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की लैंग्वेज को चाहिए तो परख के देख लो एक बार, चेक करके देख लो एक बार, एक भी कॉमा और फुल स्टॉप आपके इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज से अगर हट गया होगा तो मैं आप सबसे पब्लिकली माफी मांगूंगा, आपके फीस भी चाहिए तो रिफंड करूंगा, लेकिन यहां पर एक भी कॉमा और फुल स्टॉप इज नॉट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। आर यू विद मी ऑन दैट? नेक्स्ट पॉइंट था गुड्स मस्ट बी असर्टेंड, अभी बोला कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ असर्टेंड अनअसर्टेंड गुड्स इज देयर, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड। सो व्हाट यू हैव इसेंशियली डन इज, व्हाट यू हैव इसेंशियली डन इज यू हैव फिनिश्ड अ नोट फॉर सेक्शन नंबर 18, यू हैव फिनिश्ड योर नोट फॉर सेक्शन नंबर 18। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेक अ लुक एट सेल ऑफ अनअसर्टेंड गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 1। हम कहां पर है? अब हम सेक्शन नंबर 23 में आ चुके हैं, सबसेक्शन 1। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की, पर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ नॉट जस्ट एनी गुड्स, इट इज अनअसर्टेंड और फ्यूचर गुड्स, इट इज अनअसर्टेंड और फ्यूचर गुड्स बट बाय देयर डिस्क्रिप्शन, बट बाय देयर डिस्क्रिप्शन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ही अनअसर्टेंड गुड्स को असर्टेंड में बदल देगा। व्हाई इज डिस्क्रिप्शन इसेंशियल, व्हाई इज डिस्क्रिप्शन इसेंशियल? बिकॉज डिस्क्रिप्शन कन्वर्ट्स अनअसर्टेंड गुड्स टू असर्टेंड गुड्स। अनअसर्टेंड और असर्टेंड का जो फर्क है वो किसमें है? डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन आपके गुड्स को एक आइडेंटिटी दे देता है। सो गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन इन अ डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स अहेड, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू। अनकंडीशनली मतलब कोई भी कंडीशन को रखे बगैर, अप्रोप्रिएटेड टू मतलब कॉन्ट्रैक्ट को डेडिकेट किए गए, आर अनअसर्टेनली अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द सेलर एट द एसेंट ऑफ द बायर, मतलब बायर ने डिस्क्राइब किया उसको कैसे गुड्स चाहिए, उसने रिक्वेस्ट किया। एसेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन इज मेड। अब सबके मन में इस अप्रोप्रिएशन नाम के अल्फाज को लेकर के डाउट्स होंगे, मैं ना नहीं कहता, अप्रोप्रिएशन को डेप्थ में डिस्कस करेंगे। दूसरा एसेंट किसका हो सकता है? बाय द बायर एट द एसेंट ऑफ द सेलर। सेलर आया आपके पास गुड्स को लेकर के, वो बोल रहा था कि मैं विभिन्न किस्म के गुड्स आपको दे सकता हूं, आपको कौन सा चाहिए? तो सेलर ने बोला हाँ चलो ये डिस्क्रिप्शन को मैं एग्री कर लेता हूँ, बायर ने बोला हाँ ये डिस्क्रिप्शन को मैं एग्री कर लेता हूँ, दे दीजिए। तो सेलर के कहने पर बायर ने खरीदा, और पहले केस में क्या था? बायर के कहने पर सेलर ने सप्लाई किया।
तो पहले केस में गुड्स आर अवेलेबल, हियर व्हाट हैपेंस, हियर बायर इज गोइंग टू द सेलर, हियर व्हाट इज हैपनिंग, सेलर इज गोइंग टू द बायर। समझिए, यहां पे आप शोरूम में जाके खड़े हो गए, यहां पे आपके डोर पर सेल्समैन आ गया। ये दोनों इन चीजों का फर्क है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, वेयर द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन हैव टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, दे हैव टू बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर एट द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर एट द असेंट ऑफ द सेलर, ओनली देन द प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास टू द बायर। सो वेर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन हैव टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट एंड हैव टू बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय द सेलर एट द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर एट द असेंट ऑफ द सेलर। द असेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड, एंड वंस दिस असेंट हैज बीन मेड द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल पास टू द बायर। ये कहाँ लिखा है? ये सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 1 में लिखा है। ये कहाँ लिखा है? ये सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 1 में लिखा है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे समझना जरूरी हो गया, अब यहां पे समझना जरूरी हो गया कि ये असर्टेन, ये अप्रोप्रिएशन, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ये जो वर्ड है ये क्या होता है? तो चलिए ध्यान दीजिए, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब है, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब है सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम फॉर व्हाट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। विथ द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द बायर एंड सेलर। ऐसे गुड्स जिनको इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूज करना है, और ये गुड्स की सहमति, यही गुड्स है, इसकी सहमति दोनों बायर और सेलर के पास आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास ये पर्पल कलर का मार्कर है, तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ पर्पल कलर्ड मार्कर ऑफ द कंपनी फेबर कैसल ओनली विल बी यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ऑल पर्पल मार्कर्स मेड बाय फेबर कैसल कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। कैन आई यूज एन ऑरेंज मार्कर? नो। कैन आई यूज अ फ्लोरोसेंट ग्रीन मार्कर? नो। आई हैव टू यूज ओनली अ पर्पल कलर्ड मार्कर बिकॉज इट इज दैट मार्कर विच हैज बीन सिलेक्टेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ होम बोथ द बायर एंड द सेलर। तो वही गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट में यूज होने वाले हो, बायर और सेलर की सहमति से वो गुड्स अप्रोप्रिएट होते हैं। तो अप्रोप्रिएटेड गुड्स का शुद्ध हिंदी में मतलब क्या? वो गुड्स जो बायर और सेलर एंड सेलर की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट में यूज होने वाले हैं। सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम, यूजिंग देम वेयर? फॉर बिल्डिंग अ ब्राइटर इंडिया? नो। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय हूज अथॉरिटी एंड परमिशन? बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द बायर एंड द सेलर। सो व्हाट इज एन अप्रोप्रिएटेड गुड? An appropriated good is a good which is selected with the intention of using it for the performance of a contract with the mutual consent of both the buyer and the seller. That is an appropriated good.
व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन यदि करना हो तो ये सारी चीजें होना बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसके बगैर एप्रोप्रिएशन हो नहीं सकता. नंबर वन, देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड फ्यूचर गुड्स. तो जब अनअसर्टेन्ड फ्यूचर गुड्स होंगे तभी ही एप्रोप्रिएशन होगा. सपोज देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, विल देर बी एन एप्रोप्रिएशन? नो. माई डियर स्टूडेंट, सी इन योर चार्ट्स व्हेन यू गेट द नोट्स whether the term appropriation was used in specified goods. It is not used. Goods jabhi unascertained ho tabhi hi appropriation ka sawal uthta hai. Next, goods should conform to description and quality stated in the contract. वो गुड्स वही होंगे जो इन दोनों में एग्री हुआ है. माई डियर फ्रेंड्स, कॉन्फॉर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी. अब ये स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट है ना. स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बाय म्यूचुअल कंसेंट. उन दोनों ने एक पर्टिकुलर क्लास, ग्रेड और टाइप ऑफ गुड्स पे एग्री किया था, तब जाके तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ना कि ऐसे ही कुछ लिख दिया. बायर को चाहिए सनफ्लावर ऑयल, सेलर बेच रहा है ग्राउंडनट ऑयल. बायर ने सेलर को बोला गिव मी ऑयल. अरे व्हाट ऑयल? सेसमे ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सांडा ऑयल, गेंडा ऑयल, व्हाट ऑयल? It has to be of a specific description and quality of a certain grade ABCD of sunflower oil. Only then will it be appropriated. Why? Because until it is by their mutual consent, it cannot be appropriated, because an appropriated good has to meet the description and quality which is stated in the contract. Third, the goods must be in a deliverable state. The goods must be what? In a deliverable state. Deliverable state का मतलब आप जानते हो, अभी के अभी उठ के delivery दे सकता हूं. Fourth, goods must be unconditionally appropriated. सर अनकंडीशनली मतलब एक ही कंडीशन होगी कि तुम इसके पैसे दोगे, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होगी कि तुम पैसे के साथ साथ ये काम भी करके दो, वो करके दो. नहीं, तुम्हारा क्या है? गुड्स चाहिए, क्या है बदले में? मेरे से काम चाहिए, चलो लेके जाओ. काम और पैसा दोनों चाहिए? नहीं, आप पैसा भी दो फिर आप ये भी करके दो. सॉरी, देयर इज वन कंडीशन अटैच्ड व्हिच इज द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन में इट इज डिस्क्राइब्ड व्हाट इज देयर. मोस्टली इट इज प्राइस. सो गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड to the contract, either by delivery to the buyer or buyer's agent or carrier. मतलब unconditionally buyer को goods मिलेंगे, या फिर buyer बोलेगा मुझे मत दीजिए, मेरे agent को दीजिए, मेरा agent मेरे लिए deliver करेगा, या फिर आप इसको ये ट्रेन में इस सर्टिफिकेट के साथ डाल के भेज दीजिए, मैं मेरे आदमी को रेलवे स्टेशन पे वहां पे पहुंचू भेज दूंगा, बाकी की जिम्मेदारी भारत रेल उठा ली. राइट, दीज आर गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड. नेक्स्ट, अप्रोप्रिएशन जो होता है
अप्रोप्रिएशन जो होता है वो हो सकता है बाय सेलर विथ एसेंट ऑफ बायर, या वो हो सकता है बाय बायर विद असेंट ऑफ सेलर. एप्रोप्रिएशन एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड होना चाहिए, और सातवां एसेंट जो है मस्ट बी गिवन बिफोर और आफ्टर एप्रोप्रिएशन. मतलब मैंने ये 10,000 गुड्स बनाए हैं, आपको मैंने बोला था ये वैरायटी के गुड्स है, मैंने ये 10,000 गुड्स बनाए हैं. अब आप भी जानते हो कि मैंने ये 10,000 गुड्स बनाए, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअली आपको लिख के भेज रहा हूं कि ये मैं बना चुका, तो आपका एसेंट दीजिए, आपका एसेंट दीजिए, तब जाके मैं ये गुड्स आपको आगे भेज दूंगा. आगे भेजूंगा का मतलब क्या, आई विल अप्रोप्रिएट, या फिर मैं ये गुड्स ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आपके स्टैंडर्ड्स को कॉन्फर्म करते हैं, ये हम चेक कर चुके हैं, ये उसकी चेकिंग की सर्टिफिकेट है, क्वालिटी कंट्रोल चेक का सर्टिफिकेट है, गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए कृपया तैयार हो जाइए. दैट इज अप्रोप्रिएशन. तो अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में सबसे पहले इसका मतलब क्या, सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द बायर और सेलर. फिर अप्रोप्रिएशन में क्या क्या होना जरूरी है, अनसर्टेन फ्यूचर गुड्स होने चाहिए, दे मस्ट कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, दे मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट ईदर बाय डिलीवरी. किसे होनी चाहिए डिलीवरी, बायर को या उसके एजेंट को या उसके कैरियर को. अप्रोप्रिएशन यदि सेलर कर रहा है तो एसेंट ऑफ बायर लगेगा, यदि बायर कर रहा है तो एसेंट ऑफ सेलर लगेगा. अप्रोप्रिएशन एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड हो सकता है, और एसेंट जो होती है वो बिफोर या आफ्टर अप्रोप्रिएशन ही आपको मिल सकती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, येस और नो? दिस इज अप्रोप्रिएशन. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऋषि एंड वी मूव अहेड. बिल्कुल नेक्स्ट वी गो टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2. सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 स्पीक्स अबाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कैरियर, स्पीक्स अबाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कैरियर. इसमें क्या होता है, सेलर जो होता है डिलीवर्स गुड्स टू द बायर, कैरियर और एनी अदर बिलिंग, और एनी अदर बिलिंग. ये जो कैरियर है या एनी अदर बेली है, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर. अब आप बोलोगे अरे इधर भी बायर है, इधर भी बायर है. अरे भैया हर बार बायर नहीं होगा, कभी कभी बायर का एजेंट या उसका कैरियर डिलीवरी लेगा, या कोई दूसरी व्यक्ति डिलीवरी लेगी. क्यों लेगी, ताकि वो गुड्स लेके बायर को दे सके. ऐसा कोई बायर ऑलसी है क्या, अरे इट इज पॉसिबल दैट द बायर इज इन अ रिमोट लोकेशन, बायर इज ओवरसीज, ही रिक्वायर्स एन एजेंट टू डिलीवर द गुड्स टू हिम, देयरफॉर इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर द बायर टू बी फिजिकली प्रेजेंट एंड टेक अ डिलीवरी फ्रॉम द सेलर. आज आपके घर के बाजू में क्रोम आया विजय सेल से, तो आप जाके मोबाइल वहां से खरीदते हो. कल को आपको कोई स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल मशीनरी चाहिए जो सिर्फ जर्मनी में म्यूनिक में बनती है, और आप म्यूनिक नहीं जा सकते हैं, लेकिन म्यूनिक में एक एजेंट है जो आपको गारंटी देता है कि मैं चेक करके आपकी मशीनरी की डिलीवरी दूंगा और गारंटी लूंगा कि डिलीवरी सही पहुंचेगी, तो आपको जर्मनी जाने की जरूरत है क्या, नहीं. वो आपके बिहाफ पे डिलीवरी लेगा, गुड्स को इंडिया लेके आएगा, आपकी फैक्ट्री में सेटअप करे जी, उसके पैसे जरूर लेगा, लेकिन क्या आपको वहां पे प्रेजेंट होने की जरूरत है, नहीं है. तो ऐसे वक्त पे बायर के रिप्रेजेंटेटिव जो उसका कैरियर है, कोई दूसरा बेली हो सकता है, वेदर नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, उनके पास सेलर गुड्स की डिलीवरी भेजता है. रिमेंबर वन थिंग हियर, सेलर
डज नॉट रिजर्व द राइट टू डिस्पोजल। अब इस टर्म का मतलब आने वाली स्लाइड में समझेंगे, अभी बस एक नोट बना के रखते हैं। ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हियर द सेलर इज नॉट लायबल इफ द गुड्स आर लॉस्ट। इफ द सेलर इज नॉट लायबल एंड इफ द गुड्स आर लॉस्ट देन दिस इज आउटराइटली अ बायर्स लॉस। दिस इज आउटराइटली अ बायर्स लॉस। अब इसमें समझ के लेने की जरूरत है कि ये राइट टू डिस्पोजल का मतलब क्या है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड नेक्स्ट वी मूव टू अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल इज गिवन इन सेक्शन नंबर 25 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। What are we looking at? We are looking at reservation of right of disposal. ये दिया गया है सेक्शन नंबर 25 ऑफ सोगा में। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल के लिए क्या एसेंशियल्स है। सबसे पहले देर कैन बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स or else goods are subsequently appropriated to the contract. My dear friends, when are goods subsequently appropriated to the contract? When they are unascertained. Matlab, specific goods which are ascertained goods और अनअसर्टेंड गुड्स जब एप्रोप्रिएट किए जाते हैं, मतलब अनअसर्टेंड गुड्स जब असर्टेंड हो जाते हैं तब सेलर को रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल मिलता है। मतलब रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल इज नेवर एवर अवेलेबल ऑन अनअसर्टेंड गुड्स। माय डियर फ्रेंड्स, अनअसर्टेंड गुड्स आर सब्सिक्वेंटली एप्रोप्रिएटेड ओनली आफ्टर दे बिकम असर्टेंड। स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन ओनली एंड ओनली अनअसर्टेंड गुड्स के लिए होता है। तो जब वो अनअसर्टेंड गुड्स असर्टेंड हो जाएंगे तब वो अप्रोप्रिएट किए जाएंगे। अप्रोप्रिएट कब करेगा? जब असर्टेन हो चुका। और स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है? असर्टेंड गुड्स ओनली। सो ओनली असर्टेंड स्पेसिफिक गुड्स आर कवर्ड अंडर अ राइट ऑफ डिस्पोजल। ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Next, a seller can buy the terms of the contract or appropriation reserve the right of disposal of goods until the conditions are fulfilled. कहने का मतलब, example, आपकी price है 22 लाख रुपया। जब तक कि मुझको advance 2 लाख नहीं मिलता मैं डिलीवरी नहीं करूंगा। ये मेरा हक है, ये मेरा हक है।
अरे पर वो गुड्स तुमने मेरे लिए बनाए, मैं फेंक दूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं जला दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। पहले मुझे 2 लाख रुपया दे, पहले मुझे 2 लाख रुपया दे, फिर मैं गुड्स की डिलीवरी तेरे पास भेजूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये राइट ऑफ डिस्पोजल मेरा है, ये राइट ऑफ डिस्पोजल मेरा है, प्लीज कीप दैट मच इन माइंड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी विल पास टू द बायर ओनली व्हेन द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। व्हाट कंडीशंस? व्हाट एवर आर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन, ओनली देन विल द प्रॉपर्टी पास टू द बायर। हमारे केस में क्या था, 22 लाख रुपए सेलिंग प्राइस है, चलेगा। तुम पहले 2 लाख रुपए का एडवांस दो, फिर मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, फिर गुड्स तुम्हारे हुए, फिर हम लोग 20 लाख बाद में एक दूसरे से वसूल कर लेंगे, लेकिन पहले 2 लाख रुपया दो, उसके पहले मैं गुड्स नहीं भेजूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज विथस्टैंडिंग वेदर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर और टू द कैरियर। वट इज द, तो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट विथस्टैंडिंग। अरे बाप रे, बहुत बड़ा एरर कर दिया। दिस इज नॉट विथस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या? यदि आपने मुझे ये 2 लाख का एडवांस नहीं दिया और बाय सम मिसकम्युनिकेशन मेरे फैक्ट्री से गुड्स निकल गए, जब तक कि वो 2 लाख मुझे नहीं मिल जाते, तब तक कि ये गुड्स तुम्हारे नहीं हुए, मैं अभी भी आ सकता हूं तुम्हारे फैक्ट्री में और वो गुड्स अपने हाथों से उठा करके लेके जा सकता हूं। तुम लोग मुझे सू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बीच एक सिंपल अग्रीमेंट थी कि 2 लाख का एडवांस और फिर डिलीवरी। मेरे एरर की वजह से वो डिलीवरी निकली है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गुड्स तुम्हारे हो गए और मैं एडवांस को भूल गया। आज भी मैं वो गुड्स उठा के ले सकता हूं, क्योंकि जब तक कि वो एडवांस मिल नहीं जाता, तब तक प्रॉपर्टी विल नॉट पास। प्रॉपर्टी विल पास ओनली व्हेन द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ओनली व्हेन द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कीप दिस मच इन माइंड, दिस इज नॉट विथस्टैंडिंग वेदर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द बायर और टू द कैरियर। नाउ ओवर हियर, सेक्शन नंबर 25 हैज टू सबसेक्शंस। सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 2 विच सेज दैट When the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage by the railway, आगे गुड्स आर डिलीवर्ड टू द एजेंट ऑफ द सेलर और द ऑर्डर ऑफ द सेलर, योर सेलर कैन बी डीम्ड टू रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब क्या? गुड्स रेलवे में मैंने भेजे, मुंबई से लेट से पटना भेजे, पटना में मेरे कमीशन एजेंट थे, उन्होंने गुड्स की डिलीवरी ली, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से मैं ये सोचता हूं कि नहीं, मुझे इस एजेंट के थ्रू डिलीवरी नहीं करनी। मैं उधर ही उस एजेंट को बोल सकता हूं, प्लीज लीव द गुड्स, आई डोंट वांट टू गिव टू यू, आई एम रिजर्विंग माय राइट ऑफ डिस्पोजल। वट एवर आर योर चार्जेस टू कम टू द रेलवे स्टेशन, यू कैन बिल अस फॉर इट, बट गुड्स डोंट टच देम, छूना मत, रख दो,
तुम्हारा चार्ज लो और निकलो, बट मैं तुम्हें गुड्स नहीं दूंगा। ये किसका हक होता है? ये सेलर का हक होता है। वो अपने ज्यूरिसप्रूडेंस, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसीजन लेता है। आपका पॉइंट है सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 3, ये मैं बेहद इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि अभी तक इस पे एग्जाम्स में ज्यादा जोर पड़ा नहीं। अब देखिए, सपोज कीजिए कि सेलर ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर फॉर अ प्राइस। इसका मतलब क्या है? सेलर ने बायर को बोला कि मैं तुम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करूंगा, मतलब सेलर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, बायर के लिए वो बिल्स पेएबल हो गया। इट ड्रॉज अ बिल ऑन द बायर फॉर द बाइल एंड द बिल ऑफ एक्सचेंज टूगेदर विथ बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। यदि आज मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग ऑफ गुड्स है तो मैं गुड्स का मालिक बन जाता हूं, याद रखिए इस बात को। यदि आज मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग है तो मैं गुड्स का मालिक बन गया। तो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ लेडिंग दोनों साथ में बायर को भेजे, किस अपेक्षा से? कि बायर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके एक्सेप्ट करके मुझे दे देगा और बिल ऑफ लेडिंग को अपने पास रख लेगा। मतलब क्या? मुझे बिल मिला और तुझे गुड्स मिला, मुझे बिल मिला तुझे गुड्स मिला, मुझे बिल मिला तुझे गुड्स मिला। डेबिट व्हाट कम्स इन? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट? सेल्स। बायर क्या एंट्री मारेगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। पर ऐसे टाइम पे अगर बायर रिजेक्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसऑनर्स इट, इसका मतलब क्या? बायर को सिर्फ गुड्स मिले, उसने पेमेंट नहीं किया, तो बायर को क्या करना पड़ेगा? बायर को उस पर्टिक्युलर बिल ऑफ लेडिंग को टू बी रिटर्न्ड बाय द बायर। समझिए, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और साथ में बिल ऑफ लेडिंग दोनों रेडी रख के आपके पास पटना भेज दिया। आपने दोनों रिसीव किया, लेकिन आप बिल ऑफ लेडिंग ले लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने एक्सेप्ट किया ही नहीं, बोले गेट लॉस्ट। ऐसे टाइम पे बिल ऑफ लेडिंग आप लेके भाग नहीं जा सकते, आपको वो रिटर्न करना ही पड़ेगा। भले आप रिटर्न नहीं करते, आप टोपी पहना देते हो, बिल ऑफ लेडिंग लेके भाग जाते हो। आप क्या करते हो? आप बिल ऑफ लेडिंग लेके भाग जाते हो, मतलब आप क्या करते हो? इसके आगे का पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे लिखता हूं कि बिल ऑफ लेडिंग आप क्या करते हो? रॉन्गफुली रिटेन करते हो। क्या करते हो? रॉन्गफुली रिटेन करते हो। तो क्या होगा? तो होगा प्रॉपर्टी विल नॉट पास। क्या होगा? प्रॉपर्टी विल नॉट पास। आप उस बिल ऑफ लेडिंग को टॉयलेट पेपर से भी तुलना कर सकते हो। जब तक कि बिल ऑफ लेडिंग के साथ दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज ऑनर या एक्सेप्ट नहीं होता, वो बिल ऑफ लेडिंग साला टॉयलेट पेपर है, याद रख, उसकी कोई वैल्यू नहीं। प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड। पर अगर आपने एक्सेप्ट किया, ऑनर किया, तो बिल ऑफ लेडिंग आपको मालकी का हक, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे जाएगा। ऋषि, इसका एक सेकेंड आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन ये जो पार्ट है ना हैशटैग, मैं वापस रिड्रॉ करने वाला हूं, तो निश्चिंत ओके रहिए यस उसके बारे में। आई विल बी रीड्रॉइंग इट। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। सर टेकन तो मैं सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 को फिर से यार ड्रॉ कर रहा हूं कि सेलर ऑफ गुड्स
draws on the buyer for a price below exchange together with बिल ऑफ लेडिंग, और यू कैन से इवन रेलवे रिसीट, वॉरफ्रिंगर सर्टिफिकेट, जो आपको बोलना है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, राइट। बायर विल हैव टू रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट इफ ही रिजेक्ट्स और डिसऑनर्स द बिल। आगे का पॉइंट, इफ बिल ऑफ लेडिंग इज रॉन्गफुली रिटेन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? रॉन्गफुली रिटेन्ड का मतलब क्या? Despite dishonoring or rejecting the bill, property of goods will not pass to the buyer. प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स विल नॉट पास टू द बायर। तो इसमें क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज आपको ऑनर करना ही है, एक्सेप्ट करना ही है। जब तक आप नहीं करते तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। मीनिंग सेलर के बुक्स में ये एंट्री आनी चाहिए और बायर के बुक्स में ये एंट्री आनी चाहिए, तब ही जाकर के बिल ऑफ लेडिंग इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। नहीं तो ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये सरासर चीटिंग है, ये सरासर चीटिंग है। यदि ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, सपोज ये नहीं होता है, तो द प्रॉपर्टी विल नॉट पास इफ इट इज रॉन्गफुली रिटेन। बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग, बायर विल हैव टू रिटर्न द बिल ऑफ लेडिंग इफ ही रिजेक्ट्स और डिसऑनर्स द बिल। If bill of lading is wrongfully retained, property will not pass to the buyer. Seller of goods draws on the buyer for a price. Sir, आपने इतने underline क्यों किए? सारे keywords जो आपको exam में without fail लिख के आने हैं, वो यहाँ पे underline हो चुके हैं। Exam में किन words पे भार देना है और किन पे नहीं, ये यहाँ पे describe हो चुका है। आपको एक सूचना देता हूँ, एक सलाह देता हूं फ्री में। सिर्फ बैठ के लेक्चर देख रहे हो, नुकसान तुम्हारा है। चुपचाप चार्ज ड्रॉ करो साइमल्टेनियसली, फिर ही जाके समझ में आएगा। तो यू आर नॉट गोइंग टू रिटेन शिट, देयर इज नो बेटर वे ऑफ पुटिंग इट, बिकॉज आफ्टर द लेक्चर द चार्ज विल कम, देन द लेक्चर विल गो टू यूट्यूब। आई होप्स दैट यू विल ड्रॉ द चार्ट टू टाइम्स एट नाइट। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड विद द एक्सप्लेनेशन, after sitting for a 2 hour lecture will you again watch it for 2 hours and then draw the charts? Does that even remotely make sense to any one of you fine minded educated geniuses? It doesn't. Draw it with me simultaneously, right guys? Chalo, this is screenshot to circulate karni yes, hai, mera responsibility hai, wo to hoga, lekin you are expected to draw it right. Ab ye kya dekh liya aapne? आपने ये देख लिया रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब मैं तब तक गुड्स को नहीं दूंगा जब तक कि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं हो जाता,
जब तक कि मेरे कंडीशंस मीट नहीं हो जाते। अब अकाउंट्स में एक चैप्टर है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड है, सेक्शन 24 में। अकाउंट्स के चैप्टर का नाम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसका फंडा बहुत सिंपल होता है। आपको गुड्स दिए जाते हैं, आप कुछ चंद दिनों के लिए उन गुड्स को रखते हो, कंडीशंस होंगे तो आप यूज भी करते हो, अगर जमा तो ले लिया, खरीद लिया, नहीं तो वापस कर दो। आई रिपीट, गुड्स आर डिलीवर्ड टू यू, यू प्रोबेबली यूज देम और यू टेस्ट देम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड इफ दे फॉल इन टू योर अप्रूवल कैटेगोरी, यू कम्युनिकेटेड टू द सेलर दैट यस वी आर इंटरेस्टेड इन बाय, or else it's quite possible that आप वो गुड्स इतने टाइम के लिए अपने पास रख देते हो कि सेलर अपने आप ये अज्यूम कर लेता है कि अब तक इसने अगर लौटाए नहीं है तो ये लौटाएगा भी नहीं। इट इज एज गुड एज ही हैज परचेज दीज गुड्स एंड अ सेल इज बुक्ड इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न इन ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड। नाउ नाउ इन दिस वॉट आर द वेरियस कैटेगरीज दैट यू हैव टू गो थ्रू, दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर Goods are delivered to the buyer on approval or sale or return basis. Approval or sale or return basis. Then when will the property pass to the buyer? It passes to the buyer. Number one, when he signifies his approval or acceptance or does any act by or for adopting the ट्रांजेक्शन। मैंने आपको गुड्स भेजे, आपने मैंने आपको 100 यूनिट भेजे, आपने एक यूनिट खोल के देखा, आपको ठीक लगा, आपने फोन उठा के मुझे बोला आपका सामान मंजूर है। मैंने आपको 100 यूनिट भेजे, आपने ईमेल भेज दिया आपका सामान मंजूर है। मैंने आपको 100 यूनिट भेजे, आपने एक खोल के देखा, आपने 99 बाकी के डाल दिए प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में डालना, उसे एप्लीकेशन कर देना is nothing but any act by or for adopting the transaction. अब ये गुड्स मेरे हो गए, मैं खा भी गया, अब भाई तू बिल भेज, अब भाई तू बिल भेज। एक घड़ी नाम का डिटर्जेंट हुआ करता था, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ये वो वाला है। देख लिया परख लिया यूज कर लिया, देख लिया परख लिया यूज कर लिया, दैट इज वॉट दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड। सेकेंड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान रखिए, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, बायर को गुड्स दिए पर अभी तक बायर से कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। पहले केस में क्या किया उसने, उसने सिग्निफाई हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस किया, पर यहां पे उसने अभी तक वो सिग्निफाई किया ही नहीं है, उसने अभी तक कुछ बोला ही नहीं, चुप बैठा हो, चुप बैठा हो। बट गुड्स भी सारा लौटा नहीं रहा, सामान भी रख लिया और एकदम चुप बैठा है, बट ही रिटेन्स द गुड्स। Without giving notice of rejection, वो ये भी नहीं बोल रहा है कि साला आपका सामान खराब है, वो ना तारीफ कर रहा है ना बुराई, कुछ बोल ही नहीं रहा है। And
अभी तक उसने ना नहीं बोला है. एंड इफ द टाइम फिक्स्ड फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन हैज इलैप्स्ड, इसका मतलब क्या हुआ? आपको सर 1 महीने के लिए गुड्स दे रहे हैं, आप बताइए आपको ठीक लगे कि नहीं. 1 तारीख को गुड्स दिए, 5 तारीख हो गई कोई कम्युनिकेशन नहीं, 10 तारीख हो गई कोई कम्युनिकेशन नहीं, 20 तारीख हो गई कोई कम्युनिकेशन नहीं, 30 तारीख हो गई कोई कम्युनिकेशन नहीं, 1 जुलाई अब तू बोल या तू मत बोल, वो गुड्स तेरे हो गए, वो गुड्स तेरे हो गए. क्यों? क्योंकि जब तुझे मुंह खोल के हाँ या ना बोलना था तभी तू क्या किया, चुप बैठा ना. अब ले गुड्स और निकल, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे. नहीं, 1 जुलाई को वापस आया, मैं गुड्स लेके नहीं चाहिए. यू हैड टाइम टिल 30th of June, आज की 1 जुलाई, मुझे गुड्स नहीं मुझे पैसा दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. सर 30th तक का रिजेक्शन का टाइम था रात को 12:45 बजे, 11:45 PM को साला आया गुड्स दे के चला गया. बोला सर आप महीना भर चुप बैठे थे. बोला मेरे पास ना बोलने के लिए ना और 15 मिनट बाकी. रुक, 14 मिनट 59 सेकंड्स रुक, मेरे को ना बोलने में तो 1 सेकंड लगेगा. ले ना, चलेगा चलेगा. यू आर विद इन द टाइम, यू आर विद इन द टाइम. बट ये तुम 12:01 पे आके बोलो ना तो मैं तुमको काटूंगा. ऐसा कुत्ते की तरह ना बोला ना, मैं कुत्ता बन के तुम्हें काटूंगा क्योंकि तुम्हारा रिजेक्शन का टाइम खत्म हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस मच, प्लीज अंडरस्टैंड दिस मच. इफ ही इज नॉट सिग्निफाइंग हिज अप्रूवल एंड रिटेनिंग गिविंग द नोटिस, रिटेनिंग विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ रिजेक्शन एंड इफ द टाइम फॉर ओवर हियर डोंट यूज द वर्ड अप्रूवल, यू आर यूज द वर्ड रिजेक्शन. एंड इफ द टाइम फॉर रिजेक्शन हैज इलैप्स्ड एंड इफ द टाइम फॉर रिजेक्शन हैज ऑफ रिजेक्शन हैज इलैप्स्ड और इफ देयर इज नो टाइम फिक्स्ड एंड रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इलेप्सिस. हमने 1 महीने की डील रखी थी इस इंडस्ट्री में, 1 महीने से लेके 40 दिन तक रुका जाता है. मैं 55 दिन रुका, साला तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया. कैसी थी चुक्की वजह ही नहीं थी बची, ऐसा वाला वो गाना आ गया. गाना है, बहुत सैड गाना है ये, ठीक है वो हो गया. कैसी थी चुक्की वजह ही नहीं थी बची, ये वाला कुछ सुन लिया मैंने. इसका मतलब क्या? रिजेक्शन दिया टाइम पे नहीं, एक्सेप्टेंस दिया टाइम पे नहीं, गुड्स वापस किया नहीं. 40 दिन रुकना था, मैं 55 दिन रुका यार, 15 दिन रुका यार, 15 दिन रुका. अब क्या करूं? अब मैं मान के चलूंगा कि सेल्स हो चुके, अब मैं मान के चलूंगा कि सेल्स हो चुके. आर यू विथ मी ऑन दैट? आई होप यू आर, आई होप यू आर. तीसरा, तीसरा एकदम ही पिद्दू सा है. ही डज समथिंग विच इज एक्विवेलेंट to accepting the goods. He does something which is equivalent to accepting the goods. I hope you're with me on that. Matlab kya? He says, he gives a notice. He in the industry, he says, this is a good vendor. Abhi dekhiye, does any act for adopting the transaction or does something which is equivalent to accepting the goods mein farak hai? अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन के लिए उसने क्या क्या गुड्स कंज्यूम कर लिए. बट सपोज कीजिए, सपोज कीजिए मैंने मनाली को गुड्स दिए, मनाली ने अभी तक कुछ बोला नहीं, लेकिन मनाली ने अपने इंडस्ट्री में सबको बोला अगर गुड्स चाहिए तो एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड से लो, बहुत अच्छे गुड्स है. मुझे फोन आने लग गए, साहब आपसे गुड्स चाहिए. मैंने बोला किसने बोला? बोला वो मनाली मैडम ने बोला. मैं समझ गया शी इज हैप्पी विद द गुड्स. उसने एक तरीके से इनडायरेक्टली मुझे बोल दिया है कि ये गुड्स मैं खरीद चुकी हूं तुमसे. जब ये तीन चीजें होती है,
इनमें से कोई, तब यह माना जाता है कि द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर, दैट व्हाट द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके आगे मैं एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ, इसके आगे एक छोटा सा चार्ट बनाने वाला हूँ, और वो चार्ट ये है, और वो चार्ट ये है, ये सेम टॉपिक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, काम करते रवि कर देता हूँ। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया ऋषि, यस सर। उम्मीद करता हूं आपने लिखा भी होगा। अब इसका ही एक दूसरा पहलू है, सेक्शन 24 ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या बोलता है, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। इसके पहले क्या बात चल रही थी, नहीं वो उधर ही लिखना जरूरी है, इसके पहले क्या बात चल रही थी, इसके पहले बात चल रही थी, इसके पहले बात चल रही थी कि सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और सेल ऑन और रिटर्न बेसिस, मतलब आप किसी तरीके से तो एक कम्युनिकेशन करोगे। अब एक ही मोटिव है, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। सर मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं, अच्छी बात है, मेरे दिल को अच्छा लगा, मेरे जर्नल को नहीं। सर मैं सिग्निफाई कर रहा हूं, मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, और चिल्ला, तेरा मन करे उतना चिल्ला, तेरे चिल्लाने से बात नहीं बनती, तो फिर क्या होगा, फिर गुड्स मेरे बनेंगे। मुझे लाके पैसा दे, मुझे लाके पैसा दे, दैट गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ऑन द टर्म दैट और ऑन द टर्म्स दैट गुड्स विल रिमेन ए प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर, दे विल रिमेन अ प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर अंटिल दे आर पेड फॉर। तू जब तक पैसा नहीं भरता तब तक तेरे को कुछ नहीं, प्रॉपर्टी पासेस टू बायर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ कैश, प्रॉपर्टी पासेस टू बायर ओनली ऑन पेमेंट ऑफ कैश। कि भैया तू पैसा दे दे, माल तेरा हो गया, जब तक तू पैसा नहीं देता माल तेरा नहीं। और ये सेक्शन 24 में था, ये भी सेक्शन 24 में ही है, ये भी सेक्शन 24 में भी है। मतलब अगर माल पसंद आया तो कम्युनिकेशन को गोली मारो, तुम सीधा पैसा भेजो। अप्रूवल का मतलब क्या, माल पसंद आया तो तुम कम्युनिकेशन भेजो। तो ये जो है अप्रूवल और सेल, अप्रूवल और सेल और रिटर्न, इसमें क्या होता है, इसमें जनरली क्रेडिट सेल हो जाएगा। क्यों, अप्रूवल मिल गया तो सेल बुक हो जाएगा, लेकिन कैश ओनली या रिटर्न में क्या होगा, एक अर्जे तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, कैश सेल होगा या तो सेल रिटर्न होगा, यहाँ पे क्रेडिट सेल होगा या तो सेल रिटर्न होगा। सर आप इतने डेप्थ में क्यों जा रहे हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू आर नॉट बिकमिंग सम चार्टर्ड इडियट्स, यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द डिग्री इन इटसेल्फ हैज गॉट अ प्रेस्टीज इन सोसाइटी, यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और मेरे को पता है ये ना, आधे लोग इधर लॉ सिखाते हैं ना, वो आधे साले अंगूठा छाप रहते, टुच्चे रहते, टुच्चे। आई बात समझ में, वो बोलने के लिए कुछ तो रहता है, प्रैक्टिस फैक्टिस कुछ नहीं। बराबर है, उनको बाहर से कोर्ट दिखाओ या उनको बाहर से म्यूनसिपालिटी का ऑफिस दिखाओ, दोनों को सेम ही लगेगा, क्योंकि कभी अंदर गए नहीं है ना, कभी अंदर गए नहीं है ना, लोग जाके आ गए इसलिए बोल पा रहे, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस में क्या होगा, क्रेडिट सेल होगा या सेल रिटर्न होगा, लेकिन कैश और रिटर्न बेसिस में क्या होगा, कैश सेल होगा या सेल रिटर्न होगा। इस पॉइंट को समझना बेहद ज्यादा जरूरी। सर आप ये इतना क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हो, अकाउंट्स पढ़ते वक्त ये चैप्टर जब करेंगे तभी एक धुंधली सी याद आएगी, तब
तब बोलूंगा सेक्शन 24 का एक बार चार्ट रीड करके आना, कल गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस करना है, और ये चार्ट पढ़ने में आपका वो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट, आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, प्लीज टेक अ ठीक स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। है। अब हमने लेक्चर के शुरुआत में, हमने लेक्चर के शुरुआत में सेक्शन नंबर 26 के चार्ट्स बनाए थे, हमने सेक्शन नंबर 26 के चार्ट्स बनाए थे। फिर से सेक्शन नंबर 26 पे आता हूं। सेक्शन नंबर 26 किसकी बात करता है? सेक्शन नंबर 26 बात करता है रिस्क पासिंग विथ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी इज नॉट येट पास्ड टू द बायर, गुड्स रिमेन एट सेलर्स रिस्क। प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर, गुड्स आर द बायर्स रिस्क। This is irrespective of whether the property is delivered or not. Are you with me on that? I hope you are. I hope you are. इसकी डिस्कशन कहीं ना कहीं लेक्चर के शुरुआत में हो चुकी है कि अगर अभी तक माल बायर को नहीं मिला है तो किसका रिस्क है? सेलर का रिस्क है। और अगर प्रॉपर्टी बायर को मिल चुकी है, रिस्क पास ऑन हो चुका है, तो गुड्स बायर के रिस्क पे। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, ये आप प्लीज एग्जाम में लिख के आइए, भले ही आपके मॉड्यूल में ना हो। दिस इज लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ये आपको आपके इंटर में मिलेगा, लेकिन आज अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी शुड यूज इट, कि जब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, मतलब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड व्हेन, जब रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ये पॉइंट जब आप लिखेंगे एग्जाम में, दिस विल शो योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये पूरा ही सेंटेंस कहीं ना कहीं कीवर्ड्स, इट्स एवरीथिंग इज अ कीवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम एक बड़े टॉपिक पर चल रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग टॉपिक, एंड दैट बिग टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल by non-owners. It covers a plethora of sections like section number 27, section number 28, section number 29, section number 30 subsection 1, 30 subsection 2, so on and so forth. So we can take a 5 to 7 minute break and then we can continue with the further discussion.
चलिए, इंटरवल के बाद आप सभी का स्वागत है। लेट अस कंटिन्यू विद अ वेरी सैड जोक वी हैव स्टार्टेड, बट चलो, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इन दिस पार्ट ऑफ द सेशन? वी हैव नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। By non-owner, we are dealing with section number 27. We are dealing with section number 27. अभी suppose कीजिए कि आप मुझसे मिलने आए और मेरे कॉलोनी के बाहर एक चमचमाती मर्सिडीज खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, बेहद अट्रैक्टिव। आपने मुझसे कहा, यार ये मर्सिडीज मुझे अगर कोई अभी 25 लाख में दे दे तो मैं अभी के अभी खरीद लूं। तो मैंने मेरा जीपे का स्कैनर खोला, बोला कि भाई भेज दे इस पे, मैं ले लूंगा, ये तो मेरे अकाउंट डिटेल्स है, तू भेज दे इस पे, मैं ले लूंगा। क्या उस मर्सिडीज का मैं मालिक हूं? नहीं। मुझे पता है मालिक कौन है? नहीं। तो मैं बेसिकली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाच रहा है, लेकिन 25 लाख कमाने का चांस मिल गया, अब्दुल्ला 25 लाख लिया और भाग गया। दैट इज प्रिसाइसली व्हाट आई डिड। व्हाट डिड आई डू? आई टुक इन मनी फॉर गुड्स हुज टाइटल आई डोंट ओन, टाइटल ट्रांसफर्ड बाय अ नॉन ओनर। देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू दिस रूल, और एक एक्सेप्शन तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट नाम के चैप्टर में ही कर चुके हो। गुड्स मेरे, मैंने दिए कंसाइनमेंट पे आपको, आपने बेचे थर्ड पार्टी, तो भले आप ओनर नहीं हो फिर भी आप गुड्स बेच सकते हो। लेकिन इस एक्सेप्शंस केस की एक पूरी लिस्ट है, और उसके पहले समझ के चलना है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर सेक्शन 27 अपने आप में क्या बोलता है। सेक्शन 7 बोलता है कि गुड्स सोल्ड बाय नॉन ओनर विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ द ओनर, गुड्स सोल्ड बाय नॉन ओनर, नॉन ओनर मीन्स अ पर्सन हु डज नॉट हैव द टाइटल ऑफ द गुड्स, राइट? सो व्हाट हैपेंस बेसिकली, देर इज एन ओनर, देर इज अ नॉन ओनर। गुड्स कौन बेच रहा है? नॉन ओनर बेच रहा है। किसे? एक बायर को। किसे बेच रहा है? एक बायर को। किसे बेच रहा है? एक बायर को बेच रहा है। सो इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन ये जो बायर होता है, ये जो बायर होता है, इसका जो टाइटल है इट इज नथिंग बेटर देन टाइटल ऑफ नॉन ओनर। ये जो बायर है बेसिकली जब गुड्स परचेस करता है तब क्या करता है? तब टाइटल खरीदता है। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति से टाइटल खरीदा जो खुद एक नॉन ओनर है, तो इसका टाइटल जितना इफेक्टिव है ना, उससे ज्यादा इफेक्टिव इसका टाइटल नहीं है, ऐसा ये बोलता है। मतलब बेसिकली ये बोलता है कि अगर तुमने नॉन टाइटल होल्डर से विदाउट द अथॉरिटी ऑफ टाइटल होल्डर अगर तुमने गुड्स खरीदे तो तुमको कोई टाइटल फाइटल मिलने वाला नहीं है। वो क्या है? टाइटल मिलने वाला नहीं है। तो बायर गेट्स नो बेटर टाइटल देन द सेलर। और यहां पे सेलर कौन है? सेलर इज द नॉन ओनर, राइट? हियर बायर विल बिकम ओनर इन सच ए केस
ओनली वेन द ओनर बाय हिज कंडक्ट डज नॉट डिनाय द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, डज नॉट डिनाय द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल. एट दिस सिचुएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, एट दिस सिचुएशन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर इज ए नॉन ओनर हु इज सेलिंग द गुड्स, द नॉन ओनर हु इज सेलिंग द गुड्स. नाउ इफ द ओनर सेज, द ओनर सेज चलेगा गो अहेड विद इट, देन ओनली देन द बायर विल बिकम द ओनर. बट टूडे मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर सी, ओनर इज मिस्टर बी, एंड मिस्टर बी सेज माई गुड्स नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग. डज मिस्टर सी गेट अ टाइटल? नो, ही डज नॉट गेट अ टाइटल. बट इफ ही सेज माई गुड्स येस इंटरेस्टेड इन सेलिंग, देन ही गेट्स अ टाइटल. So as long as the owner supports the non-owner, the buyer will become the new owner. So the owner has to support the non-owner, then the buyer becomes the new owner. This is something that is very, very important. Here, there is a legal terminology that you need to understand, which I'm going to write for you. This legal terminology is very important for you to understand. अब मॉड्यूल में ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, वो है प्रीक्लूडेड फ्रॉम. इसका मतलब है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. प्रीक्लूडेड फॉर इस वर्ड का मतलब है प्रिवेंट समथिंग फॉर हैपनिंग. शुद्ध सादी हिंदी में किसी घटना को होने से रोकना, किसी घटना को घटने से रोकना, किसी घटना को होने से रोकना. बायर विल गेट टाइटल टू गुड्स इफ owner has precluded from denying. अब इसका मतलब समझिएगा, precluded का मतलब क्या, किसी चीज को prevent करना, मतलब you have prevented from denying, मतलब आपने ना नहीं की. ये legal language के double negatives में से एक होता है. It is not true that he is not a bad person. मतलब it is true that he is a bad person. क्या बोलता है? Not true that he is not a bad person. It is not true. बराबर है that he is not a bad person. मतलब it is true that he is a bad person. मतलब it is true that he is a bad person. इसको पढ़ते कैसे है? Prevent something from happening. Buyer will get title to goods if owner has precluded, मतलब prevented from denying. Denying मतलब ना करना. Prevent from ना करना. Buyer को title तभी मिलेगा जब ही owner ने ना करने से इनकार कर दिया. इसका मतलब क्या है? ना करने से मना कर दिया. ये बेहद ज्यादा जरूरी. वो मुझसे प्यार करती है, कैसे पता चला? उसने इस बात को ना करने से मना कर दिया, मतलब वो मुझसे प्यार करती है. मैं तुमसे नाराज हूं, इस बात को मैंने ना करने से मना कर दिया, मतलब मैं तुमसे नाराज हूं. बायर को टाइटल मिलेगा अगर ओनर ने
ना करने से मना कर दिया, क्या? द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, मैं इस बात को मना नहीं करूंगा कि ये जो गुड्स है वो मिस्टर ए तुम मिस्टर सी को बेच सकते हो। गुड्स किसके? मेरे। मैं मना करने से ना करता हूं, मतलब मैं मना नहीं करता हूं। देखिए, अंग्रेजों को खाना कान से खाना पसंद होगा, हम खाना ऐसे खाते हैं, बोलो ऐसे खाते होंगे तो कान से खाते होंगे, तो ऐसे वो लोग खाते होंगे, कांट से, कांट हेल्प इट। लीगल लैंग्वेज इज सच, व्हाई इज लॉट डिफिकल्ट, व्हाई इज लॉट डिफिकल्ट। देखो, वो ऐरा कहरा नट्ठू कहरा भैया भाषा में आके 15 मिनट में लॉ भाषा पढ़ा के जा सकते, वो ऐसा हुआ वैसा बोलो, इट इज पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट यू हैव टू गो इन टू द निटिग्रिटीज एंड नुएंसेस ऑफ द सब्जेक्ट। व्हाट आर द निटिग्रिटीज एंड नुएंसेस ऑफ द सब्जेक्ट? That the buyer will get the title to the goods if the owner does not say no to the seller's authority to sell. This is very, very important. This is very, very important. The buyer will get title to the goods if the owner does not say no to the seller's authority to sell. This is very, very important. Are you with me on that? है ना? तो अगर ओनर खुद बोलता है कि चल भाई तू बेच रहा है ना, मैं ना नहीं करता, मैं ना नहीं करता, तब चल जाएगा, तब चल जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो इधर ब्लैक में नीचे अंडरलाइन हाईलाइट किया है मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और इन डेप्थ हम समझ गए। दूसरी बात, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपकी मॉड्यूल खोल के देख लीजिए, एक भी ऐसा कॉमा फुल स्टॉप नहीं है जो इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज से परे है। नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लैंग्वेज। लेट मी जस्ट शो यू फॉर अ सेकेंड सो दैट आई हैव योर कॉन्फिडेंस विथ मी। I have your confidence with me. See here, we have written this whole thing. Essentials of unascertained goods. Yes. Goods sent on approval. These three items were taken care of. For cash only or return. Right. Reservation of right of disposal. The second part draws on bill, everything. The analysis is there. We don't need the analysis. Right. Now, risk passes with property. Goods remain at the seller's risk. इसका हम चार्ट बना चुके हैं। राइट, इफ द डिलीवरी हैज बीन डिलेड, इसका हम लोग चार्ट बना चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हु डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी द बायर अक्वायर्स नो बेटर टाइटल प्रोवाइडेड दैट वेर द मर्केंटाइल एजेंट। अभी मर्केंटाइल एजेंट की बात आएगी, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कम टू द मर्केंटाइल एजेंट। बट हियर व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंडक्ट प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। अभी तक मैं यहां तक आपको पहुंचा चुका हूँ चैप्टर, सो फार वी हैव फिनिश्ड। देर आर इन योर चैप्टर, दिस चैप्टर देर आर 20 पेजेस, आउट ऑफ दिस 13 पेजेस इज द कॉन्टेंट, 7 पेजेस इज क्वेश्चन एंड आंसर्स एक्सरसाइजेस वगैरह। तो ये 13 में से हमारे 8 आउट ऑफ 13 पेजेस अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। दैट्स वेयर वी आर एट। You can say a big part of the chapter is over, so don't feel uncomfortable or something, right? Now, अब आगे आगे क्या बोलते हैं? Provided that where a mercantile agent with the consent of the owner is in possession of goods, document of titles, फलाना ढिमका। इसे अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं, इस प्रोवाइजो टू सेक्शन 27 को मैं अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं। प्रोवाइजो टू सेक्शन 27 को अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूं, क्यों? आगे मर्केंटाइल एजेंट इन इट सेल्फ इज एन एक्सेप्शन, तो प्रोवाइजो से क्यों सीखना है? लेट अस लर्न इट। उसी प्रोवाइजो को यहां पे ओपन अप कर दिया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। मैं फिर से आपको बोल दे, दिस इज द प्रोवाइडेड दैट, मतलब प्रोवाइजो सेक्शन में ये लिखा है प्रोवाइडेड दैट, अगर ऐसे हुआ तो, मतलब ऐसे हुआ तो। ये जो प्रोवाइजो है ना, ये प्रोवाइजो एक्सेप्शंस में कवर्ड है, तो मैं इसको यहां नहीं कवर कर रहा, मैं इसको कहां कवर करूंगा? मैं इसको एक्सेप्शंस में कवर करने वाला। आई होप यू आर विथ मी ऑन। तो अब इसे कवर करना है और इसका चार्ट अभी आपके हाथ में आ जाएगा। नाउ लेट अस पे अटेंशन, लेट अस पे अटेंशन। द फर्स्ट एक्सेप्शन
इज सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन 27 नहीं, प्रोविजो टू सेक्शन 27 याद रखिए. व्हाट इज दिस? यदि रैंक स्कोर करना है तो आप इसे लिख सकते हो दैट द प्रोविजो टू सेक्शन 27 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेज सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट को वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एमएजी. सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट विल रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर, विल रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द बायर इफ ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बाय कंसेंट ऑफ द ओनर. यदि वो गुड्स का पोजेशन, मतलब गुड्स, एक्चुअल गुड्स, सपोज कीजिए मुझे ये गुड्स बेचने, मुझे सपोज कीजिए ये इतने सारे जो है ये गुड्स जो है ये गुड्स मुझे बेचने, इन गुड्स का पोजेशन मेरे पास यदि होगा या फिर इन गुड्स के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं इन गुड्स को बेच सकूंगा. यदि ये गुड्स ही एक्चुअली मेरे पास है या फिर इन गुड्स के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स ही मेरे पास है तब मैं इन गुड्स को बेच सकूंगा. सेकंड, सेल मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस when acting in ordinary course of business. मतलब क्या यार, मेरे लिए तो दूसरों के गुड्स बेचना ही मेरा सर्वाइवल है, सस्टेनेंस है. मेरी एक दुकान है, उस दुकान में मेरा खुद का कोई भी सामान नहीं है. मेरा खुद का क्या है, दुकान है. विविध किस्म के मैन्युफैक्चरर्स आके अपने गुड्स मेरे पास छोड़ जाते हैं और मैं बाजार में स्थित होने की वजह से काफी सारे ग्राहक मेरे इस बड़े दुकान में आकर के मुझसे अपना सामान लेकर के चले जाते हैं. तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं बस आपके गुड्स रखता हूँ, आप 8 रुपए का सामान मेरे पास रखते हो, मैं उसे आगे 10 रुपए में बेचता हूँ, आपके 8 रुपए आपको दे देता हूँ, 2 रुपए का मुनाफा मैं खुद रख लेता हूँ. ये मेरा जिंदगी जीने का तरीका है. आई जस्ट चार्ज अ लोडिंग और अ प्रॉफिट ऑन योर सेलिंग प्राइस एंड आई सेल इट, बट आई हैव कस्टमर्स हु आर रेडी टू पे. हाँ, उनको सस्ता यदि लेना होगा तो मैं उनको आपका नंबर देता हूँ, जाएंगे 300 मील दूर आपके फैक्ट्री में, है उनमें ताकत तो जाएंगे एक पेन खरीदने के लिए मुंबई से पूना, है ताकत नहीं है, एक पेन खरीदनी. हाँ, अभी कोई आएगा बोलते 1 लाख पेन की जरूरत है, देन आई कैन अंडरस्टैंड, देन ही विल बाय फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, अदरवाइज बाय फ्रॉम मी एट रिटेल प्राइस. दिस इज एग्जैक्टली हाउ द स्टेशनरी बिजनेस वर्क्स. आप मुझे सोच समझ के एक बात बताइए, सोच समझ के एक बात बताइए, क्या आप सेलो ग्रिपर की दुकान से सेलो ग्रिपर पेन खरीदते हो, क्या आप हाउजर नाम के पेन की दुकान से हाउजर की पेन खरीदते हो, क्या लग्जर की दुकान से आप पायलट पेन या पार्कर की दुकान से आप पार्कर पेन खरीदते हो? नहीं ना, आप तो उसे स्टेशनरी वेंडर से ही खरीदते हो. आपको लगता है कि वो एमआरपी पे दिया गया, लेकिन एमआरपी से कहीं नीचे ये लोग वेंडर को बेच के जाते हैं और वेंडर उसको एमआरपी पे बेचते हैं. प्लीज कीप दैट मच इन माइंड. नेक्स्ट, बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ. बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ का मतलब अभी समझ के लेना जरूरी है. इसको आपसे गुड्स लेने थे, इसने ऑनेस्टली सारी इंक्वायरी की, इसने पैसे दिए और ये इनोसेंट है, इसको आपके छल कपट के बारे में नहीं पता,
ये पैसे देने के इंटेंशन से और गुड्स लेने के इंटेंशन से एक क्लियर कॉन्शियंस से आपके सामने खड़ा है, दैट इज गुड फेथ। एंड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही हैज नो नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। दिस इज द प्रोविसो। मैं तो आ गया, आपने बोला ये गुड्स बेच रहा हूं, आपने बोला ये गुड्स बेच रहा हूं, आपने बोला ये वाले गुड्स जो है, ये वाले गुड्स जो है मेरे हाथ में, ये गुड्स जो है वो बेच रहा हूं, आपने बोला ये वाले गुड्स बेच रहा हूं, मैं आ गया, मैंने बोला ठीक है मुझे इसकी जरूरत है, कितने में दिया, आपने बोला 100 रुपया, मैंने बोला ठीक है दे दो मुझे जरूरत है इस गुड्स की। मुझे ये पता भी नहीं है कि ये गुड्स दरअसल आपके नहीं है, आपने मुझे फंसा लिया, लेकिन मैं तो इस इंटेंशन से था कि मैं गुड्स खरीदूं, मैं गुड्स को देख के खरीदने की बात कर रहा हूं, मैंने तो मेरा होमवर्क किया, मुझे फंसाया किसने, आपने। ऐसे टाइम पे ओरिजिनल ओनर आके मेरा गला पकड़ेगा, मुझे बोलेगा कि ये गुड्स तुमने कैसे लिए, मैं बोलूंगा एक्सक्यूज मी आई हैव पेड द मनी, दिस इज द प्रूफ। अब मैं और ओरिजिनल ओनर दोनों मिलके तुम्हें कोर्ट लेके जा सकते, तो तुम्हें या तो मुझे हर जाना देना पड़ेगा या तो ओरिजिनल ओनर को हर जाना देना पड़ेगा, लेकिन तुम तो गए काम से भैया। इफ यू हैव बीन प्रिक्लूडेड फ्रॉम बीइंग व्हाट स्टॉप्ड, इफ यू हैव बीन प्रिक्लूडेड फ्रॉम बीइंग डिनाइड, अगर ये हुआ है तो फिर तुम्हें कोई धोखा नहीं है, मतलब ओनर तुम्हारे साथ है। और अगर ओनर बोलता है नो आई डू नॉट प्रिक्लूड यू और आई डू नॉट प्रिक्लूड फ्रॉम डिनाइंग, यू आर इन अ सूप, यू आर इन अ सूप, प्लीज अंडरस्टैंड दैट मच, देयर इज नो बेटर वे टू पुट इट राइट। सो व्हाट इज एन मर्केंटाइल एजेंट, इफ हिज पोजेशन इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और ही हैज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। अब एक बात समझिए, अगर मेरे पास गुड्स है या फिर उसके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास जनरली तो कंसेंट ऑफ द ओनर होगा ही, तो ओनर जानता है कि ये एजेंट है ये से बेचेगा, जनरली ये कब होता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जब बेची जाती है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जब बेची जाती है, तब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का एक डुप्लीकेट कॉपी, एक फोटो कॉपी एजेंट्स को दिया जाता है कि ये बिल्डिंग है, इसमें प्रॉपर्टी है, लोग पेपर मांगेंगे देखने के लिए, आप उनको पेपर दिखा सकते हो, ये फोटो कॉपी है पेपर का आप दिखा दो, आप फोटो कॉपी पेपर का है आप दिखा दो, आप देखोगे जेरोक्स कॉपी ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट, बोलोगे अच्छा चलो ठीक है पेपर क्लियर है, कागज साइन करने ओरिजिनल लेके आओ, ओनर के पास जाना। व्हेन विल यू हैव द डॉक्यूमेंट्स, व्हेन यू आर ऑथोराइज्ड बाय द ओनर। सेकंड, ये गुड्स खरीदना बेचना एक लाइक अ होलसेलर आपका काम है, लाइक अ रिटेलर आपका काम है। तीसरा, आप हो एक्चुअली चोर, लेकिन बायर बेचारा हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड अलोंग विद दैट ही हैज नो नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, उसको ये पता ही नहीं है कि आप हेरा फेरी टू के अक्षय कुमार हो, उसको पता ही नहीं है कि आप बस सैंडी लगाने के लिए आ गए हो, ये बेचारे को पता ही नहीं है और उसने इन गुड फेथ डील किए, तो जब आप पकड़े जाओगे तब ओरिजिनल ओनर और ये बेचारा नया वाला आपको कोर्ट में खींच सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट वेरी वेरी वेल। ऑल राइट, नेक्स्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, होप स्क्रीनशॉट इज टेकन, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट इज सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, सेल बाय हुम, वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, नाउ दिस इज सेक्शन 28। अब पकड़ के चलिए कि ये कुछ गुड्स है, दिस गुड्स आर इक्वली ओन्ड बाय ए बी एंड सी। अब ए ने ये गुड्स मिस्टर डी को बेच दिए, अब ए है वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, तो कौन से सिचुएशंस में
ए गुड्स मिस्टर डी को बेच सकता है। सबसे पहली बात, वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर्स हैज सोल पोजेशन व्हाट डज ही हैव ही हैज सोल पोजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो गुड्स उसके अकेले के हाथ में है, वो गुड्स दो व्यक्तियों ने साथ में नहीं स्टोर की है, मान के चलिए ये गुड्स है और एक ही वेयरहाउस, ये बहुत कीमती रॉ मटेरियल्स है और ए ने ये अपने वेयरहाउस में रख दिए, ये वेयरहाउस सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए का है। सी मान के चलिए एक इंजीनियर है, गुड्स को टेस्ट करता है और अपना इन्वेस्टमेंट करता है, बी सेलर को जानता है अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ए बोलता है चलो ठीक है मेरी इन्वेस्टमेंट मेरा वेयरहाउस होगा, मैं आपको गुड्स को स्टोरेज करने के लिए दे दूंगा, तो आज गुड्स का सोल पोजेशन किसके हाथ में, मिस्टर ए के हाथ में, एंड अलोंग विद द सोल पोजेशन एंड ही हैज द परमिशन ऑफ द को ओनर्स, मतलब उसके पास बी और सी की सहमति है क्या करने की, बेचने की, तो ऐसे सिचुएशन में सच अ प्रॉपर्टी विल गेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाइज इट फ्रॉम द जॉइंट ओनर इन गुड फेथ एंड हु एट द टाइम of the contract of sale does not know or have notice that the seller has no authority to sell. तो जॉइंट ओनर से यदि खरीदना हो तो जॉइंट ओनर के पास क्या होना चाहिए, सोल पोजेशन एंड ही मस्ट हैव द परमिशन ऑफ द अदर को ओनर्स, अच्छा प्रॉपर्टी विल गेट ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन। अभी देखिए यदि आपके पास में सोल पोजेशन और परमिशन हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्लीन टाइटल ट्रांसफर हो गया, लेकिन आपके पास सोल पोजेशन है लेकिन आपके पास परमिशन नहीं है, ऐसे सिचुएशन में आपने चालाकी से माल मुझे बेचा, मैंने तो गुड फेथ में लिया ना और मुझे पता ही नहीं था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिड नॉट नो और डिड नॉट हैव नोटिस, डिड नॉट नो और डिड नॉट हैव नोटिस दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। यार मैं जिससे खरीद रहा हूं मेरे को ये पता ही नहीं था कि वो बेच नहीं सकता, जब मैंने पेपर मांगे उसने पेपर दिखाए, गुड्स मांगे उसने गुड्स दिखाए, कैसे, क्योंकि उसके पास उस वक्त सोल पोजेशन था ना, तो उसने मुझे फांस लिया, तो उसने मुझे फांस लिया और मुझे पता नहीं था, तो यदि मैं फांसा गया और ये प्रूव हो गया कि मुझे पता नहीं था और मेरा तो गुड गुड फेथ में मैं गया, अगर ये मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर दिया कैसे, नहीं तो मैं टुच्चा माल ही खरीदता हूँ मार्केट में से, मेरे पास केसेस ऑलरेडी चल रही है मेरे ऊपर कि मैं ऐसा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ही खरीदता हूँ, ऐसा है तो आई एम नॉट गोइंग इन गुड फेथ, आई एम लुकिंग फॉर द बैड प्रॉपर्टी टू बाय ताकि वो सस्ते में मिले, चोरी का माल सस्ते में मिलता है तो वो मैं खरीदने गया, नहीं मेरा कोई ऐसा इतिहास नहीं है, आई एम बाइंग द गुड स्टफ, आई एम बाइंग द गुड स्टफ, आई एम बाइंग द क्लीन टाइटल प्रॉपर्टीज, आई डिड नॉट नो, आई सॉ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, आई सॉ दैट यू आर हैविंग द पोजीशन एंड आई परचेज फ्रॉम यू, एंड आई परचेज फ्रॉम यू, देन आई डिड इट इन गुड फेथ, देन आई विल बिकम द बायर, आई विल बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑल्सो इफ देर आर सेवरल जॉइंट ओनर्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस इज दैट सोल पोजीशन एंड परमिशन इज इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें अगर होंगी, ये दो चीजें अगर होंगी तो एक सिंगल जॉइंट ओनर, वन ऑफ द जॉइंट ओनर, वन ऑफ द जॉइंट ओनर परमिशन
और सोल पोजीशन के मुनाहा पर सेल कर सकता है। अगर वो नहीं करता तो फिर गुड फेथ और नो नॉलेज ऑफ द फैक्ट अगर होगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप यू आर विथ मी ऑन दिस लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप यू आर विथ मी ऑन दिस। विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन नंबर 28। विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन नंबर 28। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है सर।